क्लास देखिए, हम जो भी है इस वाले लेक्चर में हम चालू क्या करने वाले हैं। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने ये बताया था कि कौन सी बुक में कौन कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, परंतु जो स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत ये आ रही है कि भैया कि सर बुक्स में तो केवल क्वेश्चन क्वेश्चन है, उनके सॉल्यूशन तो है नहीं, और 2, 4, 5, 10 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन है और बाकी क्वेश्चनों में दिक्कत आती है। तो हम यहाँ पर जो आपको मैंने बुक्स रेफर कराई थी कि गुप्ता एंड गुप्ता हो गई, आरेगोर हो गई, वो तो उन बुक्स के हम क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करने चालू कर रहे हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि आगे किस तरीके से करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का मैं सबसे पहले गुप्ता एंड गुप्ता बुक ले रहा हूँ, उसके क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, पहला नंबर क्वेश्चन है कि पास्कल सेकेंड किसकी यूनिट है। ऑप्शन देखिए, हम यहाँ पर क्वेश्चनों को इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है और बाकी किस किस क्वेश्चन का आंसर हो सकते थे। तो देखिए, पास्कल सेकेंड हमारे को एक चीज़ पता है, क्या पता है वो देख लिए। यहाँ पर हमको पता है डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी होती है म्यू, म्यू जो होती है उसकी इकाई जो होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप क्या कह सकते हैं, पास्कल, और बाकी की जो सेकेंड है वो सेकेंड है, यानी डायनेमिक विस्कोसिटी की इकाई क्या होती है, पास्कल सेकेंड। इसके अलावा एक और यूनिट होती है जो डायनेमिक विस्कोसिटी की आपको पता होनी चाहिए, जैसे न्यूटन सेकेंड पर, इसको अगर CGS सिस्टम में अगर हम बात करें तो न्यूटन को हम क्या बोलते हैं, डाइन, न्यूटन को हम बोलते हैं डाइन, सेकेंड को हम सेकेंड ही रखते हैं, और भैया मीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम पोयस के नाम से भी जानते हैं, पोयस जो होती है वो CGS सिस्टम में हमारे पास डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो हमारा एक न्यूटन सेकेंड, एक न्यूटन सेकेंड, आप नोट्स बना लीजिए, मैं आपको लिख रहा हूँ, आप इसको नोट्स कर लेंगे। सॉल्यूशन का मतलब ये क्वेश्चन के अलावा क्या क्या हो सकता है, न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, अगर देखें डाइन को बदलेंगे तो एक न्यूटन में कितना पावर डाइन होती है, 10^5, सेकंड को बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। और यदि आप सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10^ किससे इंटू करना पड़ेगा आपको, अगर स्क्वायर है तो 10^ किससे इंटू करना है, 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 10 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं, पोयस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमको पता लग गया कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन है उनके क्या, और बाकी जो ऑप्शन है उनके क्या ऑप्शन होंगे वो देख लेते हैं। देखिए, प्रेशर की इकाई आपको ऑलरेडी पता लग गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो डायनेमिक विस्कोसिटी में डेंसिटी का डिवाइड कर देते हैं तब आती है, ठीक है। इसमें अगर डिवाइड कर लेते हैं तो इसकी जो यूनिट बनती है वो आपको याद भी होगी, और याद नहीं है तो आप याद रख लो, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। देखिए, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो होती है, ऐसी ही इकाई आप सॉइल में भी पढ़ते हो, सॉइल में जो कोफिशियंट ऑफ कंसोलिडेशन होता है उसकी इकाई भी यही होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है उसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, हमारे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर इसको हम बात करें सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर CGS में बात करेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर लिखेंगे और सेकेंड को तो सेकेंड ही लिखेंगे, ठीक है, जिसको बोला जाता है स्टोक, स्टोक यूनिट बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्टोक किसकी यूनिट है, तो आपका आंसर होगा डायनेमिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ये अपने स्टोक की इकाई है। इसके बाद हम देखते हैं अगला ऑप्शन, अगर अगले ऑप्शन की बात करें तो डायनेमिक विस्कोसिटी हमारा आंसर है, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है। इसके अलावा सरफेस टेंशन, अगर सरफेस टेंशन की हम बात करते हैं तो वो देखें, हाँ सरफेस टेंशन जो होता है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से, ठीक है, सिग्मा से व्यक्त करेंगे। तो सिग्मा से अगर व्यक्त करते हैं तो ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, आपको पता ही है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। एक और है सरफेस टेंशन की, एक और यूनिट होती है जो आपको आनी चाहिए सरफेस टेंशन की, क्या, सरफेस टेंशन जो होता है उसका एक और यूनिट होता है, देखिए आपको एक चीज़ पता होगा, एफ बराबर में क्या होता है, एम इंटू ए, ठीक है, फोर्स यानी न्यूटन की इकाई ये होती है। इसके अलावा वर्क क्या होता है, वर्क, कार्य, कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है, और वर्क जो होता है उसकी इकाई यूनिट क्या होती है, जूल, और फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और इसकी इकाई क्या होगी, मीटर, ठीक है। तो न्यूटन को आप अगर लिखना चाहो तो क्या भी लिख सकते हो, जूल पर मीटर, जूल पर मीटर, जूल पर मीटर लिखेंगे तो देखिए सरफेस टेंशन की एक और यूनिट हो गई, न्यूटन की जगह आप रख सकते हो जूल पर मीटर, जूल पर मीटर, और ऑलरेडी एक और मीटर है आपका, एक और मीटर है, तो ये क्या हो जाएगी, जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी सरफेस टेंशन की इकाई है, वर्क डन के रूप में, वर्क डन के रूप में ये भी सरफेस टेंशन, तो कोई ज़रूरी नहीं है यही आए, आपको वो भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया,
ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना समय, परंतु हमने एक ही क्वेश्चन में चार क्वेश्चनों को देख लिया, ठीक है, चार क्वेश्चनों को देख लिया, इसी तरीके से हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो देखिए आइडियल फ्लूड के बारे में पूछा है, तो आइडियल फ्लूड की थ्योरी आपको आनी चाहिए। क्या होती है आइडियल फ्लूड की थ्योरी, देख लीजिए। आइडियल फ्लूड जो होता है वो होता क्या है, आइडियल फ्लूड होता है जिसमें विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, मतलब कि दो लेयरों के मध्य कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा, ठीक है। तो आइडियल फ्लूड जो होता है उसमें विस्कोसिटी जीरो होती है। अब हमारा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडियल फ्लूड क्या होता है, वन विच ओबे द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का पालन तो करते विस्कोसिटी होगी, मतलब कि ये नहीं होगा। तो देखिए फ्लूड जो फ्रिक्शन लेस होता है, मतलब कि जब रिलेटिव मोशन होता है तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगता, और साथ ही कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड वे फ्लूड होते हैं, वे फ्लूड होते हैं जिनमें क्या होता है हमारे पास डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब डेंसिटी उनकी नहीं बदलती प्रेशर या टेम्परेचर के साथ, तो उनको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। तो आइडियल फ्लूड वे फ्लूड होते हैं जिनमें एक तो शियर स्ट्रेस यानी फ्रिक्शन नहीं होता दो लेयरों के मध्य, और एक वो कैसे होते हैं जिनकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर कौन सा होना चाहिए, बी, ठीक है। वेरी विस्कस नहीं, जिनकी विस्कोसिटी जीरो होती है, तो फ्रिक्शनलेस, इस ऑप्शन में फ्रिक्शनलेस तो सही है, परंतु ये गलत हो गया, कंप्रेसिबल, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, हमारा बी, की फ्रिक्शनलेस होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर अगर तीसरे की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अभी अभी हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में बताया था, तो इकाई आपको याद भी होगी, क्या आंसर होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो स्टोक में क्या भी बोलते हैं इसको, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो आपको समझ में आना चाहिए इसका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, क्या वो देख रहे हैं अपन, ठीक है। क्या क्वेश्चन, कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है वो म्यू बाई रो होती है। एक तो इसको यूज़ कब करते हैं, जब दो फ्लूड, जब दो बाउंड्रीज के मध्य, दो बाउंड्रीज के मध्य फ्लो कर रहा है और बाउंड्रीज के मध्य डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, उस वक्त में हम क्या कहते हैं विस्कोसिटी को कांस्टेंट नहीं मान सकते, या फिर कहें विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, उसमें डेंसिटी का भी रोल आ जाता है जब हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी को यूज़ करते हैं। अब आपने कहा था कि एक स्ट्रोक जो होता है, एक स्ट्रोक जो होता है वो बराबर होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के, तो यहाँ पर एक और इकाई है, अगर सेकेंड को सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 आ जाएगा, और क्या कहते हैं सेंटीमीटर किसमें बदलेंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक स्ट्रोक जो होगा, एक स्ट्रोक जो होता है वो किसके बराबर भी होता है, 10^-4 के इक्वल भी होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम एक बार, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है, इफ़ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड, इफ़ द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड, हाँ भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड दे रखा है 0.5, तो जो दे रखा है वो लिख देते हैं। तो डायनेमिक विस्कोसिटी अगर दे रखी है इसमें, तो म्यू का मान दे रखा है 0.5, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, और वो भी किस में दे रखा है, CGS में दे रखा है, मतलब कि किस में दिया हुआ है, POS में दिया हुआ है, POS में दिया हुआ है, CGS सिस्टम में दिया हुआ है। अगला पॉइंट जब इसमें देखें तो और क्या कह रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उस फ्लूड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है हमको, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, वो भी कितनी दे रखी है, 0.5, 0.5, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। आगे देखें, आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या कह रहा है, देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछा है। तो देखिए अभी अभी आपने पढ़ा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है म्यू बाई रो, म्यू बाई रो होता है। तो आप बताएं खुद से कि क्या होना चाहिए, तो म्यू की जगह तो हमने क्या रख दिया, 0.5, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई ना कि डेंसिटी, पर आपको पता होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बटे में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर जो लिया जाता है। हमको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और डेंसिटी ऑफ वाटर ही होता है 1 ग्राम पर cc, 1 ग्राम पर cc, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके से आंसर होगा, इस तरीके से आंसर होगा, अगर हम बताएं कि रो लिक्विड अगर कितना हो तो ये कितना होगा, जरा बताएं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ये, ठीक है। तो हमारा लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी होगी, अगर लिक्विड की डेंसिटी बात करें तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को CGS सिस्टम बात करें तो 1 ग्राम पर cc यानी कि कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 0.5, और अगर 0.5 आ गई तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 1।
परंतु ये इकाई जो आएगी वो आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में। समझ आ रहा है? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए अब आप खुद से कि आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा वो, ये आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा सी, 0.1। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो अगला है हमारे पास वो कह रहा है विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, विस्कोसिटी ऑफ गैस। देखिए विस्कोसिटी के बारे में आपको क्या पता है, एक बार ये देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार हल्की सी थ्योरी देख लेंगे, हम इसी तरीके से क्वेश्चनों को हल करेंगे कि विस्कोसिटी के बारे में हमको क्या पता है। तो अगर हम टेम्परेचर इफेक्ट की बात करें विस्कोसिटी पर, तो विस्कोसिटी पर बात करें तो लिक्विड जो होगा उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ और ही आता है, और जो गैसेस होते हैं उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ और ही आता है। हमको पता है जो लिक्विड होते हैं उसमें जो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं, तो कोहेजन जो होता है पार्टिकल के मध्य में, जो कोहेजन होता है वो भी इंक्रीज होगा। और अगर कोहेजन इंक्रीज होगा, ओ सॉरी 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 कोहेजन क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो कोहेजन डिक्रीज होता है, और कोहेजन डिक्रीज होगा तो विस्कोसिटी भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड के केस में जो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है पहले जो भी थी, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी लगातार घटती है। टेम्परेचर घटने से, बढ़ने से विस्कोसिटी घटती है। जबकि वैके गैसेज में क्या होता है? उल्टा होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स के मध्य, क्योंकि पार्टिकल्स में कोहेजन तो होता नहीं है, गैसेस के पार्टिकल तो क्या होते हैं? सब एक दूसरे से इधर उधर भागते रहते हैं। तो इधर उधर भागते रहते हैं तो क्या होगा? पार्टिकल जुड़े तो रहते नहीं है, आपस में टक्करें होती रहती हैं। तो इंटरमोलिकुलर का कोहेजन होता रहता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगी, वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ेगा, जिससे कोलिजन कोलिजन बिटवीन पार्टिकल भी बढ़ेंगे, और जिससे विस्कोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो गैसेस की विस्कोसिटी क्या होती है? लगातार टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, ये हमको पता है। ठीक है, परंतु हमारे जो फ्लूड होते हैं वो हमारे को एक चीज़ और पता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो आप क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, इतनी थ्योरी आपको काफ़ी है। तो देखिए गैसेस की बात कर रहे हैं, तो गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ती है गैसेस की। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अगला पढ़ो, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही है, टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। समझ आ रहा है? और ये क्या कह रहा है? इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अ टेम्परेचर, इज डिपेंडेंट ऑफ अ प्रेशर फॉर वेरी हाई प्रेशर इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट नहीं होती। देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा इसमें? अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ए तो गलत है, सी भी गलत है, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। क्यों? डी क्यों गलत है वो देख लीजिए। जो गैसेस होते हैं यदि उनके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, अगर गैसेज हैं, मान लो ये गैस मैंने बनाई है, इस पर अगर मैं फ्लूड प्रेशर लगाऊं तो क्या होगा? पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, पास आएंगे तो और ज़्यादा कोलिजन होगा। ठीक है, कोलिजन ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो प्रेशर बढ़ने से भी विस्कोसिटी बढ़ती है गैसेज की। हाँ, परंतु जो लिक्विड होते हैं वो कैसे फ्लूड होते हैं? जो लिक्विड होते हैं वो कैसे फ्लूड होते हैं? इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड होते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं इनमें? कि इनकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है और इन पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो लिक्विड जो होते हैं उनकी डेंसिटी पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता, और जो अगर गैसेस होती हैं तो वो मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए एक बार मैं ट्राई करता हूँ और आपके कमेंट्स का इंतजार करते हैं कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं आपको इनके पूरे वीडियो बना के देते रहेंगे, रोज़ एक एक वीडियो डेली हम शाम तक डाला करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो हम आगे भी बनाएंगे।